हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन? तो हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर की स्टडी कर रहे थे, और इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग कर रहे थे. तो वो तो हम लोगों का बच्चों ओवर हो गया है. जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे, उनकी नेमिंग हम लोग कर चुके हैं. आज हम लोगों को पॉली फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं उनकी IUPAC नेमिंग करना है. तो फंक्शनल ग्रुप और पॉली फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, फंक्शनल ग्रुप वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है. लेकिन पॉली फंक्शनल की अगर मैं बात करूँ तो पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है. तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसको हम बोलते हैं पॉली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड या पॉली फंक्शनल कंपाउंड. तो उस तरह के कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करेंगे, आज हम लोग सीखने वाले हैं. तो भाई, अगर एक ही कंपाउंड में, लेट्स सी, अगर मैं बोलूं कि इस तरह का एक कंपाउंड है हम लोग के पास, दिस इज, तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है. तो अब हम किसको किसको हम प्रायोरिटी दें, मीन्स किसको हम, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है पॉली फंक्शनल वाला, तो इसमें सबसे पहले हमको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है. एंड देन बाकी जो भी हमारे जितने भी, जैसे यहाँ पे तो दो हैं, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे दे ऑल आर बिकम सब्स्टिट्यूट. और जब ये सब्स्टिट्यूट बनेंगे बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने इनका सफिक्स देखा है. जो भी मैंने नॉमेनक्लेचर किया उसमें हम लोग ने इसकी सफिक्स ही यूज़ की है जब भी हम नेम कर रहे हैं. लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूट बनेंगे तो हम इनका सफिक नहीं क्या यूज़ करने वाले, प्रीफिक्स. मीन्स सीधी सी बात है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके सफिक्स के अलावा उनका प्रीफिक्स भी होता है. तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो क्या बन जाते हैं? सब्स्टिट्यूट. और सब्स्टिट्यूट बन गए तो उनकी उनका हमको क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स. तो सबसे पहले तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स पता होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए. जैसे कि इन तीनों में सबसे जो आगे है, जिसको जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए यही बना है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ बच्चों, कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको मैं अरेंज कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है. तो उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, ओके. तो चलिए पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को. तो दिस इज ट्रिक. तो ये हम लोग के ट्रिक है बच्चों, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो, ओके. तो अभी हम लोग अरेंज करते हैं. तो कार का मीन्स होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक, और एस का मीन्स होगा सल्फोनिक, ये एसिड है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप. N का मीन्स होगा एसिड हैलाइड. ट्रो का मीन्स होगा एस्टर. एसी मीन्स एसिड, सॉरी मैंने यहाँ पर हैलाइड लिख दिया ना, एनहाइड्राइड लिखना था मुझको, एनहाइड्राइड, ओके. थोड़ा सा सुधार लीजिएगा. और एसी का होगा बच्चों एसिड हैलाइड.
थ्री जैसे का कुछ भी नहीं है, एम्बेसडर का होगा बच्चों एसिड एमाइड, सी से हमारा साइनाइड और आई से होगा बच्चों आइसोसाइनाइड, ए से यहां पर हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड और के से कीटोन, ए से यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अल्कोहल एंड टी से थायो अल्कोहल, एम से यहाँ पर हम लोगों का एमाइन एंड पो से होगा बच्चों ईपॉक्सी। चलिए मैं यहाँ पे इसके सिंबल पे लिख देती हूँ, सी डबल ओ एच एस ओ थ्री एच एसिड एनहाइड्राइड तो सी ओ ओ एंड एस्टर एंड एसिड हैलाइड आर सी ओ एक्स, एसिड एमाइड आर सी ओ एन एच टू, साइनाइड आइसोसाइनाइड एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, थायो अल्कोहल एस एच हो जाएगा, एमाइन का एन एच टू अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने लास्ट टाइम आप लोग को पढ़ाया है, एमाइन एन एच टू एंड इपॉक्सी का होता है बच्चों दिस इज इपॉक्सी। ओके तो ये हो गया हम लोग का बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे जो प्रायोरिटी हमको मिल रही है मतलब अगर हमारे ये तीन हैं कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक और एसिड एनहाइड्राइड तो इन तीनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बनना चाहिए जो सबसे ऊपर आ रहा है कार्बोक्सिलिक। अगर एस्टर एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड है तो कौन बनेगा एस्टर बनेगा। तो ये है हमारा एक प्रायोरिटी ऑर्डर जिसको आपको इस तरह के ट्रिक से याद रखना है, कार सेंट्रो एसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो। ओके चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे आपको बता देती हूँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। चलिए तो अब मैं बच्चों बता देती हूँ कि अगर पॉलीफंक्शनल में एक से ज़्यादा है तो जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो अब सब्स्टिट्यूट बन चुके हैं तो उनके प्रीफिक्स क्या होंगे, क्योंकि सफिक्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया लेकिन प्रीफिक्स नहीं बताया। तो मैं एक काम करती हूँ कि उसी ऑर्डर से यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर है हम लोग का उससे के अकॉर्डिंग मैं उसका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का एक चार्ट प्रिपेयर कर देती हूँ ताकि वो भी आप लोग के पास हो जाएगा कि जब आप नेम करो तो क्योंकि सडनली तो आपको सारा कुछ याद नहीं हो जाएगा ना, धीरे धीरे ही होना है ग्रेजुअली होना है। तो फिर जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आप सिलेक्ट कर लोगे कि इन तीन में से कौन सा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो बाकी के लिए आप प्रीफिक्स कहाँ से लाओगे तो उसके लिए आपको लिखना होगा। तो मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर देती हूँ, फंक्शनल ग्रुप suffix and prefix, इसके बाद terminal functional group। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों कि अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन कंटेनिंग है लाइक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन ये सब हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होता है तो उस केस में हम उसकी नेमिंग क्या करेंगे तो वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में आएगी। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर में आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं बच्चों ऑइक एसिड और जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होता है हमारा कार्बोक्सी और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब इसका कार्बन काउंट नहीं हो तो वो होता है हमारा
कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसके बाद हमारा आता है सल्फोनिक, तो इसके लिए आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, सफिक्स आएगा और सल्फो आ जाएगा हम लोगों का, एमाइड, कार्बोमोइल और टर्मिनल में हो जाएगा इसका कार्बोक्सामाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों वो है हम लोग का साइनाइड। तो साइनाइड के लिए पता ही हम लोग को नाइट्राइल होता है, साइनो एंड कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। और भी है लेकिन अभी यहाँ तो यहीं तक हो गया है तो फिर मैं आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इसको देख लो कि कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स, अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो हम यूज़ करेंगे सफिक्स इसका ऑइक एसिड, और प्रीफिक्स यूज़ होता है बाय द वे, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको ही मिली है, तो कार्बोक्सी होगा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक के लिए सल्फोनिक एसिड सफिक्स है और प्रीफिक्स में अगर ये यूज़ होगा तो सल्फो, क्योंकि इन दोनों के केस में तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये तो बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पे सल्फो यूज़ करेंगे, इसका कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑइक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के लिए यूज़ करेंगे हम ऑइक एनहाइड्राइड, प्रीफिक्स इसका नहीं होगा ना ही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। एस्टर के लिए अल्काइल अल्कानोइड, ये हम लोग को पता है, लेकिन जब ये प्रीफिक्स बनेगा बच्चों तो अल्कोक्सी कार्बोनिल होगा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के केस में ये अल्काइल कार्बोक्सिलेट होता है। एसिड हैलाइड के लिए हमको पता है कि ऑयल हैलाइड होता है, क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, हेलो फॉर्मिल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब क्लोरो फॉर्मिल, ब्रोमो फॉर्मिल, इस तरह से। टर्मिनल है तो कार्बोनिल हैलाइड लिखा जाएगा उसको। एसिड एमाइड के लिए बच्चों, एमाइड हमको पता है कि सफिक्स यूज़ हम कर चुके हैं, प्रीफिक्स बनेगा तो कार्बोमोइल, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जब कार्बन काउंट ना हो तो कार्बोक्सामाइड। नाउ साइनाइड के लिए हम नाइट्राइल यूज़ कर चुके हैं, अगर इसका प्रीफिक्स यूज़ करना है तो वो साइनो, और कार्बोनाइट्राइल भी हम यूज़ कर चुके हैं, है ना। चलिए इसको नोट करिए फिर मैं आगे का लिखा देती हूँ आपको। चलिए तो बाकी के ग्रुप बच्चों मैं यहाँ पे ही दिखा देती हूँ इसी कॉलम में। तो साइनाइड के बाद जो है बच्चों वो आता है हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइसो नाइट्राइल सफिक्स, एंड प्रीफिक्स जो होगा वो आइसो साइनो, और इसका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो इसको हम सिर्फ डैश कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बच्चों एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड के लिए आप लोगों को पता है सफिक्स अल यूज़ होता है, और जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं बच्चों वो फॉर्माइल और ऑक्सो होता है। अब फॉर्माइल कब यूज़ होगा ये प्रीफिक्स, जब कार्बन इसका काउंट नहीं हुआ है। ऑक्सो कब होगा, जब कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो फॉर्माइल, और जब कार्बन काउंट हो जाता है मेन चेन में तो हम ऑक्सो करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बेल डिहाइड। थायोल और प्रीफिक्स जब होगा इसके तो मरकैप्टो, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। नाउ इसके बाद एमीन है बच्चों, तो एमीन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं एमीन, और प्रीफिक्स में हो जाएगा एमिनो, इसका भी कुछ नहीं होगा। एंड देन लास्ट में हमारा इपॉक्सी ग्रुप आता है, तो इसके लिए इपॉक्सी सफिक्स और इसका प्रीफिक्स और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग रह गए थे बच्चों वो मैंने यहाँ लिख दिया है, आइसोनाइट्राइल सफिक्स इसका यूज़ होगा आइसोसाइनाइड का, और आइसोसाइनो इसके लिए प्रीफिक्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स यूज़ करना है, और अगर ये सब्स्टिट्यून बनता है तो फॉर्माइल किस केस में मैंने बताया, जब कार्बन काउंट नहीं होता, और जब कार्बन काउंट होता है तो ऑक्सो लगाना है, ठीक है। वैसे ही कीटो में ओन आएगा सफिक्स, और इसके बाद हम इसको ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो कब, जब कार्बन काउंट हो गया है, और जब कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो कीटो लगाएंगे, इसका भी कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। अल्कोहल के लिए पता है हम लोगों को ऑल,
तो प्रीफिक्स जब हम यूज़ करेंगे, मतलब जब ये सब्स्टिट्यूट बन गया तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। थायो अल्कोहल है तो इसके लिए थायोल, एंड जब ये प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूट बन गया तो प्रीफिक्स मरकैप्टो यूज़ करना है, और एमीन के लिए एमीन हमारा सफिक्स, और जब ये प्रीफिक्स बनेगा तो एमिनो, और दिस इज़ इपॉक्सी ईथर के लिए। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ नेमिंग। चलिए बच्चे, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो करते हैं इसके, बताती हूँ मैं आप लोग को। एग्जांपल से आप लोग को बहुत क्लियर हो जाएगा। लाइक दिस, दिस इज कार्बोक्सिलिक एंड दिस इज एल्कोहल। तो ये हम लोग का एक कंपाउंड है पॉलीफंक्शनल, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और दो में से आप एक देख रहे हो कार्बोक्सिलिक है और दूसरा क्या है हमारा एल्कोहल। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ तो हम लोगों को ज़्यादा रटने की या ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट जो है हमारा वो कार्बोक्सिलिक ही है, तो यही बनेगा हमारा बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अभी ये अल्कोहल हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका हम लोगों को क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स। और अल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो मैंने क्या बताया है? ये बताया है मैंने हाइड्रोक्सी। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही बनने वाली है, इसको ही हमको नंबर वन देना है। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया है। ठीक है, तो थ्री पे हम लोग को मिल गया है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी। तो लोकेंट थ्री हाइड्रोक्सी, अल्क कितने का? सेवन का। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हैप्ट सिंगल बॉन्ड है, एन वन ऑइक एसिड, ये हो गया इसकी नेमिंग, हो गई इस कंपाउंड की जो कि पॉलीफंक्शनल है। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वो भी आप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आराम से समझ लोगे। ठीक है, चलिए दिस इज, तो यहाँ पे दो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, एक है हमारा एमीन और एक है अल्कोहल। तो हमको पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? अल्कोहल। सियाका टेम्पो, याद है सियाका टेम्पो, तो अल्कोहल पहले आएगा, उसके बाद NH2, तो यही बनेगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये एमीन बन जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए पहले हम लोग इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा भी हमारे, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूट बन चुका है तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम लोगों को इसकी नेमिंग करनी होगी। अब ये सारे इसके इक्वलेंट हो गए, ठीक है। तो NH2 एमीन है, ब्रोमो एंड क्लोरो, तो ए बी एंड सी, तो लोकेंट 2 एमीनो 3 ब्रोमो। यहाँ पे आप लोग ये मिस्टेक मत करना कि एमीन जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये सारे हमारे सब्स्टिट्यूट में जाते हैं हैलोजन वगैरह, तो इसको हम प्रायोरिटी कम देके इसको, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो गया तो बाकी फंक्शनल ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब ये सारे के सारे एक जैसे एक बराबर हो गए, दे ऑल आर सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट है तो हमको किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना है कि भाई इसको प्रायोरिटी दे इसको नहीं, दे ऑल आर इक्वल। तो अब हम सभी के लिए अल्फाबेटिक रूल सेम चलेगा। ये तो यहाँ पर कहना चाहिए कि बस ये लकी हो गया कि इसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 एमिनो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। अल्क कितने की? 6 की है बच्चों, हेक्स कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन 1 ओल, ये हो जाएगा। जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उनका हमेशा ही हम लोगों को क्या यूज़ करना है? सफिक्स। और बाकी के जो भी फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जो सब्स्टिट्यूट बन गए, तो उनका प्रीफिक्स, ये चीज़ दिमाग में रख लो अच्छे से। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। चलिए बच्चों,
NH2 है यहाँ और यहाँ OH, ठीक है, ये एक कंपाउंड है हमारा। अब इसमें हमारे एक नहीं बल्कि 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये है बच्चों हमारा कीटोन, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एमीन। तो इन तीनों में सबसे ऊपर हमारा आता है कीटोन। लाइक याद होगा आपको सिया का कीटोन सबसे ऊपर आ रहा है, अल्कोहल नीचे है, एमीन तो बहुत नीचे है ना लास्ट में। तो ये बनेगा बच्चों हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी के ये दो क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो हमको इनकी नेमिंग क्या करनी है, इनका प्रीफिक्स यूज़ करना है। प्रीफिक्स यूज़ करना है और सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो यहाँ अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ही हमको इनकी नेमिंग करनी होगी। तो सबसे पहले तो लोकेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, चलिए तो 1 पे हमको मिल रहे हैं एमीन और हाइड्रोक्सी। तो एमीन ए एंड एच, तो ऑब्वियसली क्या आना है हमारा 1 एमीनो प्रीफिक्स एंड 1 हाइड्रोक्सी। अल्क कितने की आई है, 7 की, तो हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन 3-ओन। 3 पे आ रहा है कीटोनिक ग्रुप, दिस। ओके, नाउ दिस इज, ओके, OH एंड यहाँ पे NH2 है। 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4। अगर हम लोग दोनों ही डायरेक्शन से करें, पता है हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने जो दो हमारे फंक्शनल ग्रुप थे अल्कोहल और एमीन को कॉर्नर पे लगा दिया है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों कि हम कहीं से भी ले रहे हैं तो यहाँ पर इसको 4 ही मिल रहा है, मतलब कहीं से भी क्लोज नहीं, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो हम कहाँ से चलेंगे, यहाँ से 1 करूँ या फिर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में कौन पहले आ रहा है। तो ये हमारा एमीन ए है एंड दिस इज़ हाइड्रोक्सी, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे बच्चों और नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 एमीनो देन 7 हाइड्रोक्सी, चेन कितने की आ रही है, 7 की, तो हेप्टेन 4-ओन। ओके, इस तरह से हमको इसकी नेमिंग करनी। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताती हूँ। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आगे के देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज CH3 CHO CHBr and CHOH और CHCN and COOH, ये एक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, अल्कोहल है एंड एल्डिहाइड है, ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले है। तो यही बनेगा बच्चों हम लोग का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी सारे क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट बन गए तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट देयर नेम जो है उनके हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं नंबरिंग, 3, 4, 5, 6 सिक्स की चेन बन रही है। तो ये है हमारा ब्रोमो, कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इसको हम लिखेंगे फॉर्माइल हाइड्रोक्सी एंड साइनो। तो सबसे पहले हमारा ब्रोमो आएगा बच्चों, 4 ब्रोमो, इसके बाद साइनो, 2 साइनो, एंड देन फॉर्माइल
तो फाइव पे है बच्चों हमारा फॉर्माइल, इसके बाद बारी आती है हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रोक्सी एंड अल्क हमारा जा रहा है सिक्स के लिए हेक्सेन, वन ऑइक एसिड, ये हो जाएगा हम लोग का नेम। ओके चलिए एक और कंपाउंड ले लेती हूँ। दिस इज यहाँ पे कीटोन है, अल्कोहल है एंड कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके तो नंबरिंग यहीं से कर दें हम लोग, टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया। ओके तो ये जब कीटोन जो है हमारा सब्स्टिट्यूंट बनेगा तो उसके लिए हमें कीटो और ऑक्सो लगाना है। तो यहाँ पर कार्बन काउंट हो गया बच्चों, तो हम यहाँ पे ऑक्सो लगाएंगे एंड दिस इज हाइड्रोक्सी। ठीक है तो पहले क्या आता है हाइड्रोक्सी, तो हम यहाँ लिख देंगे टू हाइड्रोक्सी, थ्री ऑक्सो, चेन आ रही है फाइव की, पेंटेन, वन ऑइक एसिड। इस तरह से आप लोगों को नेमिंग करनी, मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों को मैं बार बार यही बोलूँगी कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, तभी आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर पाओगे। और इसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रीफिक्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीफिक्स पता नहीं होगा तो फिर आप इसकी नेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जब ये सब्स्टिट्यूट बनते हैं तो हम इनका सफिक्स यूज़ नहीं कर पाते, हमको इनका प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखोगे, एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर एंड देन जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रीफिक्स। ठीक है इसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इस तरह से आप लोगों ने बनाया ही हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नोट करिए फिर मैं एक दो और बताती हूँ। ये बच्चों कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ नहीं लगाते हैं इसको, हम लोग थोड़ा दूर में लगा दें सी एच। ओके तो ये एक कंपाउंड है बच्चों हम लोग का। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आप लोगों को, दिस इज कीटोन, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एस्टर एंड दिस इज एल्डिहाइड साइनाइड। तो इन सभी में प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आ रहा है एस्टर, कार सेंट्रो, ट्रो याद आ रहा है, ट्रो इज एस्टर। तो एस्टर ही बनेगा बच्चों हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है तो बाकी सारे हो गए सब्स्टिट्यूट, तो इनके यूज करने हमको प्रीफिक्स और नेमिंग अल्फाबेटिकली। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबरिंग, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो यहाँ पे सबसे पहले जब ही हम यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे एस्टर की, तो अल्काइल अल्कनोइड, ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल है उसको हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, तो वो है हमारा इथाइल, इसको लिख दिया हमने। एंड देन अब जितने भी सब्स्टिट्यूंट हैं उनकी नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट करेंगे। तो ये है हमारा हाइड्रोक्सी ऑक्सो साइनो फॉर्मिल। तो सबसे पहले साइनो आएगा बच्चों, सी साइनो एंड देन सिक्स फॉर्माइल, इसके बाद हाइड्रोक्सी है और ये ऑक्सो है तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा हाइड्रोक्सी, तो टू हाइड्रोक्सी एंड देन थ्री ऑक्सो और ऑक्सो के बाद ऑक्टेन, ऑक्टेन वन ऑइट, ऑइट लगता है बच्चों एस्टर के लिए, अल्काइल अल्कोनोइड। ठीक है एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
दिस इज ओके। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, साफ साफ पता चल रहा है कि दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि दोनों एंड पे हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो किसको, विच वन इज गेटिंग फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, राइट हैंड साइड वाला कार्बोक्सिलिक या लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका जो डिसीजन है वो लेगा हमारा ये जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप था जो कि अब सब्स्टिट्यूट बन चुका, जिनके हमको प्रीफिक्स यूज करने, उनका अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वही से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है बच्चों साइनो, एंड दिस इज आइसो साइनो। और अभी यहाँ पर ही हमको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, दिस इज आई एन सी, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। और सेकेंड हम देखते हैं तो सेकेंड सेम है, तो इस वाले कार्बन से ही हमको सिलेक्ट करना है कि नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, क्लियर। तो अब हमको करनी है इन सब्स्टिट्यूट की नेमिंग, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ही नेमिंग करेंगे। साइनो है, फॉर्माइल है, एंड हाइड्रोक्सी है, एंड आइसोसाइनो है। तो सबसे पहले साइनो की ही बारी आएगी, तो 2 साइनो, इसके बाद फॉर्माइल, तो फॉर्माइल हमारे कितने बच्चों, 2 हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, 4 डाई फॉर्माइल। इसके बाद हाइड्रोक्सी है और आइसोसाइनो है, तो पहले कौन आएगा, ओब्वियसली हाइड्रोक्सी आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 6 आइसोसाइनो, सारे की नेमिंग हो गई। एंड देन कार्बन की जो चेन बन रही है, अल्क हमारा है वो 7, तो हेप्टेन ई नहीं लगाना है, 1, 7, 1, 7 डाई ऑइक एसिड, इस तरह से नेमिंग करनी है। तो कितना भी बड़ा पॉलीफंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड हो बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद नंबरिंग करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट उनकी नेमिंग कर देनी है लोकेंट के साथ। लास्ट में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है तो अल्क एंड ऑइक, वही वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है, सभी में मैंने वैसे ही किया है, चाहे एस्टर हो, चाहे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, या कोई व्हाटएवर कुछ भी हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, तो उसका हमको सफिक्स यूज़ करना है। एंड अदर जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि सब्स्टिट्यूट बन गए, तो उनका प्रीफिक्स और नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए बच्चा, कुछ हम लोग क्या करते हैं कि साइक्लिक वाले अब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं यहाँ पे लेती हूँ, दिस इज साइनाइड अल्कोहल एंड दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो इन तीनों में जो साइनाइड है बच्चों, सी आका, तो सी सबसे पहले आ रहा है, साइनाइड ये बनेगा हम लोग का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी सारे सब्स्टिट्यूट बन गए, तो नंबरिंग ओब्वियसली हमको यहाँ से ही करनी होगी रिंग से, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो अटैच्ड हैं, तो रिंग ही बनती है हमारी पैरेंट चेन। तो नंबरिंग मैं यहाँ से क्यों कर रही हूँ ये समझ में आए, क्योंकि दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और अदर फंक्शनल ग्रुप किस में चेंज हो गए, सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्माइल एंड दिस इज हाइड्रोक्सी। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पहले क्या आएगा, फॉर्माइल आएगा, तो 3 फॉर्माइल एंड 2 हाइड्रोक्सी, कितने की चेन, 3 की, साइक्लो प्रोप एन 1, क्योंकि कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, तो ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में आएगा, तो दिस इज कार्बो नाइट्राइल। याद होगा आप लोगों को, इस तरह से मैंने बताया था टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी, कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर काउंट नहीं होता है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में उसको हम क्या लिखते हैं, तो कार्बोनाइट्राइड। एक और साइक्लिक हम लोग देख लेते हैं बच्चों,
दिस इज, तो यहाँ पे भी रिंग से ही सारे अटैच है बच्चों। यहाँ चलो मैं कुछ और भी लगा देती हूँ, थाइल मिथाइल भी लगा देती हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये अभी तक सभी को याद हो गया होगा। तो बाकी सारे बन गए हमारे सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ चलते हैं, तो भी एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है और यहाँ पे, तो किसको प्रायोरिटी दें? तो यहाँ पे फिर हम वही रूल फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेट, दिस इज़ एमिनो ए एंड दिस इज़ हाइड्रोक्सी एच, तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, फाइव। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सबसे पहले टू एमिनो, ओके। नाउ यहाँ पर है इथाइल मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी, तो पहले आ जाएगा हमारा फोर इथाइल, इसके बाद फाइव हाइड्रोक्सी, एंड देन थ्री पे है बच्चों मिथाइल। चलिए सारे सब्स्टिट्यूट हो गए, अब सिर्फ हमको इसका सफिक्स यूज़ करना है। कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे, एंड देन पहले हम साइक्लोअल्केन। तो साइक्लो कितने की चेन है? फाइव की, तो हो जाएगा हम लोग का ये पेंटेन, वन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों कुछ साइक्लिक और हम लोग देख लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन में इस बार ले लेती हूँ, साइनो आइसोसाइनो एंड ओएच। यहाँ पे भी फिर से हम लोगों का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या बन रहा है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो वन हो जाएगा, यहाँ साइनो यहाँ आइसोसाइनो, तो यहाँ हम चलेंगे टू थ्री एंड फोर, तो क्या नेम हो जाएगा? चलिए पॉज करके आप लोगों को करना है, मैं यहाँ बता देती हूँ। टू साइनो फोर आइसोसाइनो थ्री हाइड्रोक्सी, अच्छा हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा, अल्फाबेट फॉलो करना है हम लोग को, थ्री हाइड्रोक्सी एंड फोर आइसोसाइनो, अल्क आ रहा है साइक्लो ब्यूटेन, कार्बन काउंट नहीं हुआ है बच्चों, तो वन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए एक और लेते हैं हम लोग साइक्लिक ही, दिस इज ओके। तो यहाँ पे सियाका याद है ना, साइनो सबसे पहले, फिर एनसी आता है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर, इन सबसे ऊपर साइनो है, तो यही बनेगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहीं से करेंगे। सेकंड मिल रहा है हमको यहाँ, तो यहाँ नहीं जाएंगे, आइसोसाइनो थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इस तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे, रिंग ही बनेगी पैरेंट चेन। तो टू पे है आइसोसाइनो, थ्री पे है फॉर्माइल और फोर पे हाइड्रोक्सी, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट बच्चों सबसे पहले फॉर्माइल आएगा, तो थ्री फॉर्माइल, इसके बाद फोर हाइड्रोक्सी एंड टू आइसोसाइनो साइक्लो हेक्सेन, कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इसका कार्बो क्या लिखा है था नाइट्राइल, ये हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग साइक्लिक वाले पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। चलिए नोट करिए, फिर मैं एक दो और बताऊँ। चलिए एक कंपाउंड और लेते हैं बच्चों हम लोग, दिस इज ठीक है, इसके बाद यहाँ ले लेते हैं
एंड यहाँ ले लेते हैं हम लोग एक मिथाइल, और कुछ भी लगा दो इसमें। चलिए यहाँ पे मिथॉक्सी की जगह मैं साइनोमिथाइल लगा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर देती हूँ मिथॉक्सी। चलिए ये बन गया हम लोगों का। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये एस्टर है तो एस्टर भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, एंड दिस इज़ मिथॉक्सी एंड दिस इज़ साइनोमिथाइल। तो नंबरिंग कर दें बच्चों 5, 6। अब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 साइनो मिथाइल एंड देन 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल एंड 4 मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। कार्बन काउंट नहीं हुआ है। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगी स्किन। तो ऐसे बहुत सारे साइक्लिक और एलिसाइक्लिक, या फिर मैं बोलूँ ओपन चेन कंपाउंड हैं, जिसमें बहुत सारे फंक्शन, मतलब पॉली फंक्शन वाले कंपाउंड हैं बच्चों, जिनकी नेमिंग बहुत इजी है। फिर से मैं बोलूँगी, 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, दूसरी बात कि जब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट बनते हैं तो उनके प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनके प्रीफिक्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट लोकेट करके हम उनको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट एंड देन अल्क, इसके बाद सेकेंडरी सब्स्टिट, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी, जो एक परफॉर्मा एक स्केलेटन मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर का यूपीएस, बिल्कुल वही फॉलो करना है। बस सिर्फ यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि पॉलीफंक्शन में एक बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी सब बन जाएंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो पॉलीफंक्शनल वाला पार्ट है वो ओवर होता है। अब सिर्फ हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग और साइक्लो और बाईसाइक्लो, उनकी नेमिंग करनी है, स्पायरो वगैरह की। तो उसकी नेमिंग भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बोर मत होइए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।